मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। बड़ी खबर आपको बता दें, इसराइल हमास युद्ध के बीच इसराइल ने यूएन पर बड़ा एक्शन लिया है। इसराइल ने यूएन के अधिकारियों को वीजा देने से इनकार कर दिया है। इसराइल ने कहा कि वो यूएन महासचिव के बयान से खफा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, इसराइल हमास युद्ध के बीच इसराइल ने यूएन पर बड़ा एक्शन लिया है। इसराइल ने यूएन के अधिकारियों को वीजा देने से इनकार कर दिया है। इसराइल ने कहा कि वो यूएन महासचिव के बयान से खफा है। और उसके बाद हमने देखा था कि इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी थी यूएन के महासचिव के बयान पर। अब बड़ी कार्रवाई इसराइल की तरफ से, यूएन चीफ के बयान के बाद वीजा देने से इनकार कर दिया है। और जो यूएन महासचिव ने बयान दिया था जिसमें कहा था कि हमास का एक्शन ये एक लंबी प्रक्रिया के तहत हुआ है, इसी पर इसराइल खफा है। और इसराइल ने यूएन चीफ के बयान के बाद वीजा देने से मना कर दिया है। दरअसल इसराइल का यह कहना है इस पर कि सबक सिखाने के लिए ऐसा किया गया है, यूएन एक तरफा बात करता है, यह भी इसराइल की तरफ से कहा गया था। और अब बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि इसराइल ने वीजा देने से मना कर दिया है। तो इसराइल ने यूएन चीफ के बयान के बाद वीजा देने से इनकार कर दिया है। वॉर ब्रेकिंग हम आपको बता रहे हैं, सबक सिखाने के लिए वीजा देने से मना किया गया है। और जिस तरीके से इस वक्त युद्ध चल रहा है, क्योंकि 7 अक्टूबर को हमास इसराइल पर हमला करता है, ऐसे जख्म हमास ने इसराइल को दिए जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी, तो इसराइल के लिए गाजा का ग्राउंड ऑपरेशन अब मुश्किल हो गया, क्योंकि उसका सबसे बेहतरीन टैंक मरकावा हमास के टारगेट पर है। मरकावा इसराइल की शान माना जाता है, लेकिन हमास के कुछ हमलों में ही ये टैंक कबाड़ साबित हो रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि इसराइल का ऑपरेशन हमास अब कैसे पूरा होगा। इजराइल अगर गाजा में घुस गया तो उसकी सबसे बड़ी ताकत ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। ये बात नेतन्याहू को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। ये बात इजराइल की फौज को बड़ा झटका दे सकती है। इस वीडियो को देखकर नेतन्याहू बहुत हैरान है। ये इजराइल का सबसे शानदार टैंक मरकावा है, जो अब हमास और हिजबुल्ला के टारगेट पर आ चुका है। किसी भी ग्राउंड ऑफेंसिव यानी गाजा में घुसकर ऑपरेशन करने के लिए इसराइल को 3 चीजों की जरूरत है। पहली है फौज यानी पैदल सेना, दूसरी है बख्तरबंद वाली ताकत यानी टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां, और तीसरा है तोपखाना जो सेना का रास्ता क्लियर करे। लेकिन जिस तरह से मरकावा टैंक की तबाही के वीडियो सामने आए हैं, उसने इसराइल की सेना की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। नेतन्याहू को चिंता में डाल दिया है कि जिस टैंक के बलबूते वो गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन चलाकर हमास के लड़ाकों को खत्म करने का ख्वाब देख रहे हैं, वो खुद हमास और हिजबुल्ला के निशाने पर आ गया है। पहले देखिए हमास ने किस तरह इसराइल के मरकावा टैंक को तबाह कर दिया। ये एक क्वाडकॉप्टर ड्रोन पर लटकता हुआ एंटी टैंक रॉकेट है। ये ड्रोन इस आरपीजी के रॉकेट को ऊपर से टैंक पर गिरा देता है और फिर होता है ऐसा धमाका जिससे टैंक का एक हिस्सा पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। एक बार फिर देखिए, कि कैसे यह हमला किया जाता है। बेहद सस्ते क्वाडकॉप्टर से एक 35 करोड़ रुपए का टैंक पर कामयाब हमला किया जा सकता है। हमास ने दिखाया है कि उसके क्वाडकॉप्टर गाजा के आसपास ऐसे रॉकेट लेकर मंडरा रहे हैं। इस तस्वीर में 3 क्वाडकॉप्टर हैं और तीनों पर आरपीजी रॉकेट लटके हुए हैं। अब देखिए हिजबुल्ला कैसे चुन चुन कर इसराइल के मरकावा टैंक को फोड़ रहा है।
ये दुनिया को दिखाने की कोशिश है कि इसराइल का महान मरकावा टैंक उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वीडियो नंबर एक, वीडियो नंबर दो, वीडियो नंबर तीन, वीडियो नंबर चार। वीडियो नंबर पांच, ये वीडियो किसी भी टैंक पावर का हौसला तोड़ सकते हैं। ऐसे हर वीडियो में फायर होने वाले मिसाइल टैंक क्रू को अपना टैंक छोड़कर भागने पर मजबूर कर सकती है। इसराइल के टैंक को निशाना बनाने के लिए हिजबुल्ला तीन तरह के एंटी टैंक मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है। पहला है कॉर्नेट, जिसकी रेंज 5 किलोमीटर तक है। ये रूस की मिसाइल है, लेकिन अब ईरान इसका देसी वर्जन दहलाविया तैयार कर चुका है और ऐसी बहुत सी मिसाइल अब हिजबुल्ला के पास है। दूसरी है BGM-71 टो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, रेंज है 3.5 किलोमीटर। ये अमेरिका में बनी मिसाइल है, लेकिन अब इसकी नकल ईरान तैयार कर रहा है और उसने हिजबुल्ला को सप्लाई की है। तीसरी है 85 कॉनकूस, रेंज 5 किलोमीटर। ये भी रूस ने बनाई है और अब ईरान में ये तोसान नाम से तैयार की जाती है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से हिजबुल्ला और हमास मरकावा टैंक को निशाना बना रहे हैं। हालांकि एंटी टैंक मिसाइल से बचने के लिए मरकावा में ट्रोफी मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगाया गया है। ऐसा सिस्टम आज दुनिया का हर टैंक कमांडर अपने टैंक पर देखना चाहता है। ट्रोफी एक एंटी मिसाइल सिस्टम है जो टैंक पर हमला करने वाली मिसाइल को ट्रैक करके मार गिराता है। ये एक तरह का रडार है जो दुश्मन की मिसाइल को ट्रैक करता है और फिर टैंक में क्लोज इन वेपन सिस्टम उस मिसाइल पर गोली बरसा देता है, जिससे वो मिसाइल रास्ते में ही तबाह हो जाती है। ऐसा ही सिस्टम अमेरिका के अब्राम्स टैंक पर भी लगाया गया है और ये टैंक बचाने वाला सबसे बड़ा हथियार माना जाता है। लेकिन हिजबुल्ला ने इसका भी तोड़ निकाल लिया है। अब ये वीडियो देखिए, इसराइल के मरकावा टैंक पर हिजबुल्ला एक साथ 2 कॉर्नेट मिसाइलें फायर करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मारकोवा में लगा ट्रोफी सिस्टम एक मिसाइल को ट्रैक करने और उसे हवा में ही मार गिराने के बाद दूसरे हमले के लिए तैयार होने में वक्त लगाता है। टैंक में लगे ट्रोफी सिस्टम को रीलोड करने में 2 सेकंड का वक्त लगता है। यही बात हिजबुल्ला को पता चल गई और उसने 2 मिसाइलों को एक साथ फायर करने की रणनीति बनाई। जब तक ट्रोफी सिस्टम रीलोड होता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और दूसरी मिसाइल सीधे टैंक को हिट करती है। उसके बाद जो होता है उसका अंदाजा आप इस तस्वीर को देखकर खुद लगा सकते हैं।